हाँ जी, तो मेरे भाइयों और बहनों, कॉमर्स के एग्ज़ाम्स बोर्ड्स के ख़त्म हो गए हैं, थके हुए हो गए, ब्रेक लेने का मन होगा। लो यार, एक दिन का ब्रेक लो, दो दिन का ब्रेक लो, ज़रूरत पड़ेगी 3 दिन का भी ब्रेक लो यार, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। क्योंकि जो बोर्ड्स की जर्नी होती है ना, ये काफ़ी एक्सक्रूशिएटिंग होती है, पेनफुल होती है। क्योंकि ऐसा नहीं है बोर्ड का सिलेबस ही सबसे बड़ा पेन होता है, उससे भी ज़्यादा पेन होता है जो प्रेशर हमें हमारे पेरेंट्स से मिलता है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन खुद से जुड़ी हुई होती है, और जो हमने अपनी फैमिली में प्रॉब्लम्स देखी हुई होती है, जिसकी वजह से हमें पता होता है कि भाई अपनी पढ़ाई में अच्छा परफॉर्म करना है। इन सारी चीज़ों में ना, अलॉन्ग विद द सिलेबस, चीज़ें डिफिकल्ट हो जाती हैं, और आप डिज़र्व करते हो एक दो दिन का ऐसा ब्रेक जिसमें आप सब भूल जाओ और टोटल फ्री होकर मज़े करो। पर अब ना गेम क्लैरिटी का है। क्लैरिटी किस चीज़ की? कि आप वो बच्चे बनो जिसके दिमाग में ये है कि हाँ भाई, मैं एक दो दिन का ब्रेक लूँगा, पर उसके बाद ना मेरे जो 2 महीने आने वाले हैं, ये मेरे लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट 2 महीने होंगे। क्योंकि 2 महीने बाद एंट्रेंसेस होने हैं, और आपके ड्रीम कॉलेज तक, उस कॉलेज तक जो कॉलेज आपकी लाइफ बदलेगा ना, वो इन 2 महीनों में डिसाइड होगा। तो ये जब ब्रेक खत्म होगा ना, मैं दबा के 2 महीने मेहनत करूंगा ताकि मैं वहां पहुंच पाऊं जहां से मेरी जिंदगी बदल पाए, और फिर उसके बाद मजे ही मजे हैं। अब आप कहोगे भैया ये मजे मजे वाली लाइन मत चिपकाओ, मेरे को पेरेंट्स शुरू से बता रहे 10th कर ले फिर मजे मजे, 12th कर ले फिर मजे मजे। भाई मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, देखो ऐसा नहीं है जिंदगी में हार्ड वर्क कभी खत्म हो जाएगा, करना पड़ेगा। पर जब आप अपने ड्रीम कॉलेज पहुंच जाओगे ना, 5-10% से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कम ज्यादा होने से। पर आज ये जो 2 महीने में आपकी परफॉर्मेंस आएगी ना एंट्रेंस में, वहां पे एक एक मार्क से फर्क पड़ेगा, क्योंकि वो मार्क आपका डिसाइड करेगा कि आप इंडिया के कौन से कॉलेज में पहुंचते हो। एंड ट्रस्ट मी, जब आप इंडिया के बेस्ट कॉलेज में पहुंचोगे ना, आपका करियर कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। एंड हायर, उन लोगों से बच के रहना जो होते नहीं है, मीठी मीठी बातें करते हैं आपको खुश कराने के लिए, पर आपको गुमराह कर देते हैं। कहने का मतलब, वो लोग जो कह रहे हैं टॉप कॉलेज में जाने से कुछ नहीं होता, अच्छे कॉलेज में जाने से कुछ नहीं होता, मैंने बहुत वीडियोस बनाई है इस चैनल के इस मिथ को डीबंक करते हुए। एक वीडियो दे रहा हूँ मैं आपको, पिन कमेंट में जाके देख लो। उस वीडियो में मैंने बताया था कि भाई ये वेल रिसर्च डेटा है कि अगर आप एक टॉप कॉलेज में पहुँचते हो, आपके सक्सेसफुल होने के चांसेस हाई हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। वर्ल्ड के टॉप लीडर्स, एंटरप्रेन्योर्स को, शार्क टैंक के सारे जजेस को, किसी को भी उठा के देखोगे ना, वहाँ पे मेजॉरिटी लोग आपको वर्ल्ड के टॉप कॉलेजेस से पढ़े हुए मिलेंगे, रादर देन कि कुछ एक्सेप्शंस जो कि मीडिया आपके आगे बार बार ग्लोरीफाई करती है। तो भाई अपना कॉलेज अपने दिमाग में रखो, और उसके लिए आने वाले 2 महीने के लिए कमिट करके दबा के मेहनत करो, ये 1-2 दिन के ब्रेक के बाद, ठीक है। अब देखो यार, वीडियो की थीम चेंज करते हैं, क्योंकि मोटिवेशन के नाम पे मैं इतना ही बता सकता हूँ, इतनी ही मोटिवेशन मेरे से दी जाती है। अब मैं बात करता हूँ मेन मुद्दों की। मैं अब आपको 4 स्ट्रैटेजीज या पॉइंट्स देने वाला हूँ जो दिमाग में रखने हैं आपको, ताकि आप टॉप कॉलेजेस को क्रैक कर पाओ। उससे पहले एक छोटी सी बस बात सुन लो भाई, अगर CUET में कॉमर्स से हो, या फिर BBA, BMS या IPMAT के टॉप कॉलेजेस को क्रैक करना है, तो उनके एंट्रेंसेस को तोड़ने के लिए हमारा कल बैच लॉन्च हो रहा है, इंडिया का पहला बैच, जिसमें मनी बैक गारंटी हम ऑफर करेंगे। बेस्ट फैकल्टीज को लेके आए हैं 5-10 years के टीचिंग एक्सपीरियंस के साथ, जो कि खुद SRCC, सुखदेव या IIM जैसे टॉप कॉलेजेस से पढ़े हुए हैं एंड पढ़ा रहे हैं। तो कल आ जाना सारी डिटेल्स के लिए। बट मूव ऑन करते हुए आप लोगों के लिए पॉइंट्स दे देता हूँ स्ट्रैटेजिक। सबसे पहली चीज, अपने दिमाग से ये माइंडसेट हटा देना कि भाई मेरे पास कम टाइम है, आपके पास मोर देन इनफ टाइम है आपके टॉप कॉलेजेस को क्रैक करने का, अगर आप पूरी डेडिकेशन के साथ अच्छे से पढ़ो जैसे आप बोर्ड्स के लिए पढ़े थे। हमारे भी बैच में लास्ट ईयर न्यूमरस रैंक होल्डर्स थे AR24 IPMAT में, AR37, हमारे लगभग SRCC में 30 बच्चे गए थे, उसमें से 12-13 बच्चे वो बच्चे थे जिन्होंने बोर्ड्स खत्म होने के बिल्कुल आराम से तसल्ली के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी। तो 100% आपके चांसेस हैं, 100% आप सुखदेव टॉप कॉलेजेस जैसे में पहुंच सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, आप लोगों को प्रॉपर सिलेबस पता होना चाहिए उन सारे कॉलेजेस का जो आप क्रैक करने वाले हो, जो भी आप टारगेट कर रहे हो, उनका सिलेबस, साथ के साथ उनका प्रॉपर टाइम टेबल, यानी कि उस सिलेबस को पूरा टॉपिक वाइज दिन में डिवाइडेड कि भाई आज मेरे को ये सारे टॉपिक करने हैं, आज मेरे को ये सारे टॉपिक करने हैं, तो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टाइम से। अब आप पूछोगे भैया ये सब कहाँ मिलेगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, आपको सब कुछ EduCaptain के चैनल में मिलेगा, कल ही पूरी सिलेबस और टाइम टेबल की वीडियो आ जाएगी। तीसरी चीज, आपको जैसे कि सेकंड पॉइंट में मैंने बोला सिलेबस और टाइम टेबल होना चाहिए, पर किसका, तीसरी चीज
प्रॉपर लिस्ट होनी चाहिए आपके पास उन कॉलेजेस और उन एंट्रेंसेस की जिनको आप टारगेट कर रहे हो, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, सिर्फ एक दो टॉप कॉलेजेस को मत टारगेट करो, डेफिनेटली उनको ड्रीम रखो, डेफिनेटली उनके लिए जाओ, बट आपके पास कॉम्प्रीहेंसिव पूरी लिस्ट होनी चाहिए। भाई ये सारे बहुत अच्छे कॉलेजेस, मैं इन सब में अप्लाई करूंगा, इन सब के लिए कोशिश करूंगा। अब आप कहोगे भैया लिस्ट कहाँ मिलेगी, इसके लिए आपको प्लेलिस्ट दे रहा हूँ मैं नीचे पिन कमेंट में। नो योर करियर की हमारी सीरीज थी, उसमें आपको टॉप कॉलेजेस की BBA, BMS और IPM, BCom सबकी मिल जाएगी, ठीक है। लास्ट फोर्थ बट नॉट द लीस्ट, आपको कट ऑफ पता होने चाहिए उन सारे एंट्रेंसेस की, आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए जो आप क्रैक कर रहे हो। देखो जब हम स्कूल में होते हैं, जब हम आते हैं बोर्ड्स देने जाते हैं, तो भाई हमें क्लियर होता है भाई 98, 99, 100% अच्छे मार्क्स होते हैं, लाई भी जा सकते हैं और हमें क्रैक करने के लिए यही मार्क्स चाहिए, अच्छे नंबर, ठीक है। बट एंट्रेंसेस में सिनेरियो बिल्कुल डिफिकल्ट हो जाता है यार, कुछ एंट्रेंसेस में तो 70% तक अगर आपके मार्क्स आ जाए ना, तो आपको टॉप कॉलेज, हाँ इंदौर की देख लो, 70% तक मार्क्स आ जाए आपको इंटरव्यू और कॉलेज में एडमिशन तक के चांसेस मिल जाते हैं। सेम विद CUET, आपको टॉप कॉलेजेस में जाना है, 90% के आसपास आप लेके आओ, आपको एडमिशन मिल जाता है, ठीक है। तो आपको सारी एंट्रेंसेस जिनको टारगेट करो उनकी कट ऑफ पता होनी चाहिए, क्योंकि जब तक टारगेट क्लियर नहीं होगा तब तक हमें पता ही नहीं होगा हमारी डेस्टिनेशन कहाँ है। हम भटकते रहेंगे, हम डीमोटिवेट होते रहेंगे ये सोच के कि भाई हमें तो यार 98, 99 आने हैं, जो कि केस नहीं है। अब आप पूछोगे भैया कट ऑफ कहाँ मिलेगी, टेंशन मत लो, एडिट कैप्टन के चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वो भी हम आने वाले दिनों में आपके लिए बताने वाले हैं, ठीक है। मोटी सी बात ये है, अभी करो रेस्ट, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, आने वाले दिनों में सब कुछ मिल जाएगा, पर ये सारी चीज़ें आपके पास कलेक्टेड होना ज़रूरी है। एंड अगर आप हमारे थ्रू प्रिपेयर करना चाहते हो, कल बैच आ जाएगा, आके देख लेना। बेस्ट ऑफ लक गाइस एंड बाय।